और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में बीजेपी विधायक के पूजा करने का वीडियो वायरल होने के बाद सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस मामले में कार्रवाई की मांग कर रही है। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर मंदिर में नियमों को क्यों तोड़ा गया, क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। उज्जैन के महाकाल मंदिर में बने नियमों को तोड़ने से बीजेपी के नेता बाज नहीं आ रहे हैं। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में घुसकर पूजा करने का बीजेपी विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हो गया। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है और मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में तराना क्षेत्र के कांग्रेस विधायक महेश परमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी बीजेपी के नियम तोड़ने की परिपाटी रही है। जब आप सरकार के निर्देश है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है, तो किस आधार पर इस सावन का पवित्र माह चल रहा है? हजारों किलोमीटर से देश विदेश और पूरे विश्व से लोग भगवान महाकाल के दर्शन करने आते हैं और यहाँ अपने सावन के पवित्र माह में, और इनके आदरणीय विधायक जी नियमों की, सुप्रीम कोर्ट के नियमों की धज्जियां उड़ाकर अंदर जाकर दर्शन करते हैं, तो अंधेरी नगरी, चौपट राजा और जंगल राजा और भगवान महाकाल का तीसरा नेत्र अब खुलेगा और अब वही कुछ करेंगे, हमें इनसे तो न्याय की उम्मीद नहीं है। वहीं इस मामले पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बीजेपी को यदि भगवान से ऊपर होने का भ्रम हो गया है तो कृपा करके इसे दूर कर लीजिए। हो सकता है कि आपकी सरकारी समझ उज्जैन शहर से बाहर नहीं हो, लेकिन अब उज्जैन में देश दुनिया के लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं। सत्ता की ताकत कभी भी भगवान से बड़ी नहीं हो सकती। यह बात अब इसलिए भी समझी और समझानी जानी चाहिए ताकि धर्म की नगरी की छवि अब और ज्यादा खराब ना हो। लोग जानना चाहते हैं कि नियम क्यों और किसके इशारे पर टूट रहे हैं। आस्था और विश्वास का यह अपमान यदि पवित्र श्रावण मास में किया जा रहा है तो इसे सिर्फ पाप की संज्ञा दी जा सकती है। यह पंडित पुजारियों के साथ महाकाल मंदिर की परंपराओं का भी अपमान है, कोई और नहीं, अब इसके लिए सिर्फ आप ही दोषी हैं। जीतू पटवारी के सोशल मीडिया पोस्ट के साथ ही इस मामले पर सियासत और तेज हो गई। एक तरफ जहां बीजेपी कांग्रेस पर सियासत का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सत्ता के मद में मस्त है। रोज आप देखते हैं कि सत्ता का इतना दंभ हो चुका है, कभी इनके उत्तर के विधायक अपने जन्मदिन के दिन अंदर चले जाते हैं। नियम कायदे कानून क्या है, बाबा महाकाल क्या मान्य परंपरा क्या है, सावन के अंदर क्या व्यवस्थाएं करी है, उसकी परंपरा है क्या, उन परंपराओं को रोज तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता दिखते हैं। अरे जो वैधानिक है वो किया होगा और नहीं किया, उल्लंघन किसने किया, तो कानून सुरक्षित है और उसके तरीके से वैधानिक कार्रवाई भी होगी, लेकिन इनको शर्मानी चाहिए जो सनातन को हमेशा गाली देते हैं, जिनको सनातन पर विश्वास नहीं है, वो सनातन को लेकर राजनीति कर रहे हैं, शर्म करिए थोड़ी बहुत। इस पूरे मामले पर सियासत देखने को मिल रही है, लेकिन सियासतदानों को सियासत के इतर नियमों को मानना चाहिए और नहीं मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि इस घटना से पहले कब कब गर्भगृह में प्रवेश के नियम टूटे हैं। तो 12 मार्च 2023 रंगपंचमी पर बीजेपी नेता का बेटा भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में पहुंचा। इसके बाद 5 अप्रैल 2023 कैलाश विजयवर्गीय के साथ इंदौर विधायक गर्भगृह में पहुंचे। इसके बाद 1 दिसंबर 2023 शहर के 2 एडिशनल एसपी ने गर्भगृह में प्रवेश किया। 8 जुलाई 2024 बीजेपी नेता महेंद्र सिंह ने गर्भगृह में महाकालेश्वर की पूजा अर्चना की। तो कब कब ये गर्भगृह में प्रवेश के नियम टूटे हैं, ये हमने आपको बताया और अब इस पर सियासत भी जमकर हो रही है।